हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर मनीष सैनी। मैं शेल्बी हॉस्पिटल सूरत में चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। ये टॉक हम करते हैं जॉइंट में होने वाले घसारे पर। ये जॉइंट अमूमन जो है घुटने का जॉइंट और कूल्हे का जॉइंट और कंधे का जॉइंट होता है। घसारा मतलब अर्थराइटिस। इसका मतलब सिंपल भाषा में समझें तो जॉइंट में जो कार्टिलेज है वो किसी भी कारण से अगर घिस जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसको अर्थराइटिस कहते हैं। इस अर्थराइटिस की ग्रेडिंग रहती है। वो अर्थराइटिस कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम जब स्टेज रहती है तो हम उसको मेडिसिन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि अर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है तो समय रहते हुए उसका बढ़ना लाजमी है। तो जब ये अर्थराइटिस काफ़ी एडवांस स्टेज में हो जाता है तो इसको हम किसी भी दूरबीन से ठीक नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट किसी मरीज़ को ज़रूरत है कि नहीं, उसके लिए हमें मरीज़ का एक्सरे करवाना पड़ता है। एक्सरे पे हम डिफाइन करते हैं कि मरीज़ के एक्सरे में घसारे की कौन सी स्टेज है और देख ये जाना जाता है कि मरीज़ की क्या क्या तकलीफ़ें हैं। तो अगर मरीज़ अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी परेशान है और घसारा भी उसके, अर्थराइटिस भी उसके जॉइंट में काफ़ी एडवांस स्टेज में है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए हैं। अब ये जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर हम घुटने का समझें तो पार्शल नी रिप्लेसमेंट करना है या कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के कितने कंपार्टमेंट में अर्थराइटिस है। अगर पेशेंट को सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में अर्थराइटिस है तो उसमें हम लोग पार्शल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट में अर्थराइटिस है तो उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करा जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग हिप जॉइंट को देखें तो कोविड के बाद, कोरोना के बाद काफ़ी लोगों को हिप जॉइंट के पेन शुरू हुए। ये स्टीरोइड की वजह से भी हैं और कोविड एसच बीमारी की वजह से भी जो है हिप जॉइंट खराब हुए। तो जो कूल्हे का घसारा है उसको समझने के लिए पेशेंट का MRI कराया जाता है और उसको भी स्टेजिंग के तौर पे देखकर पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट का एडवाइस किया जाता है। अगर वो एडवांस स्टेज में है तो ही उसमें हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, और अगर एडवांस स्टेज में नहीं है तो उसमें एक छोटा प्रोसीजर जिसको कोर डिकम्प्रेशन कहते हैं वो भी करा जा सकता है। इसी तरीके से कंधे का जॉइंट जिसमें घसारा होता है, कंधे के जॉइंट में रिप्लेसमेंट करने वाले सर्जन काफ़ी कम हैं। बट अच्छी बात है कि हमारा शेल्बी हॉस्पिटल सूरत में हम यहाँ पे शोल्डर का रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, हर तरीके की सर्जरी करते हैं। तो मेरा उन सब लोगों से ये कहना है कि जिनके घुटने में घसारा है उसको सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट ना समझें। आप अपने डॉक्टर से मिलें, आप अपने एक्सरे करवाएं और स्टेजिंग के अनुसार आपके लिए क्या उपचार, क्या ट्रीटमेंट आपके लिए उपयुक्त है आप वही ट्रीटमेंट फॉलो करें और आप विजिट करें। जो भी सर्जन, जो भी डॉक्टर इस सर्जरी को निपुण तरीके से या सक्सेसफुल तरीके से करता है उसी डॉक्टर के पास आप विजिट करें। थैंक यू।